हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी लोग क्लास 7 मिठाई वाला, जिसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी, इस लेसन में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच में आता है और उन्हें खुशियां देकर अपने दुख को दूर करने की कोशिश करता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास कोई बच्चे नहीं है। दूसरों के बच्चों को खुश देखकर वो भी खुशी होता है और संतुष्ट होता है, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे खिलौने वाला और बच्चे। इसमें क्या होता है, खिलौने वाला अपने खिलौने बेचने के लिए बहुत अधिक मधुर स्वर में गाता, और क्या गाता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसके मुख से अधूरा सा वाक्य सुनते ही बच्चों में क्या हो जाता था, हलचल मच जाती थी। बच्चे अपना खिलौना भूलकर उसके पास चले आते थे, और जो महिलाएं होती थी अर्थात उनकी जो माताजी होती थी अपने दरवाजे पर पड़ी जो पर्दे होते थे उसे उठाकर जो छज्जा होता उसके नीचे झांकने लगती थी। बच्चों से घिरा खिलौने वाला अपने खिलौने की अर्थात जिसमें वो खिलौना रखे रहता है उसे खोलकर बच्चों के बीच बैठ जाता था। खिलौने देखकर प्रसन्नचित बच्चे अपनी तोतली आवाज में उनका मूल्य पूछते थे कि कितने का मिलता है। वह बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों में दबे पैसे लेकर खिलौने दे देता था। बच्चे अपने खेल में मग्न हो जाते अर्थात खुश हो जाते और वह आगे बढ़ जाता। एक वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राय विजय बहादुर, अर्थात राय विजय बहादुर के बच्चे, दो बच्चे थे चुन्नू मुन्नू भी खिलौने, वो लोग भी खिलौने अपने खिलौने लाकर अपने माँ को दिखा रहे थे। उनकी माँ का नाम था रोहिणी। उनकी माँ रोहिणी ने पूछा कि कितने में लिए हैं, मुन्नू बोला 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने वह कैसे दे गया। इस विषय में उनसे ज्यादा सोचना ठीक ना समझा, अर्थात उनकी जो माँ थी इस विषय में बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं की। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है मुरली वाला और बच्चे। इसको हम देखेंगे, जो मुरली वाला था वो 6 महीने बाद नगर में मुरली बेचने लाता था, अर्थात जिसके कारण मुरली के आने की चर्चा जोरों पर थी। लोग उसकी बहुत अधिक चर्चा करते थे, उसके बारे में आपस में बातें करते थे। लोग मानते थे कि वह मुरली बजाने में काफी अधिक निपुण है, अर्थात बहुत अच्छे से बांसुरी बजाता है। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर 2 पैसे में मुरली बेचता है। इसे पता नहीं उसे क्या मिलता होगा। मुरली वाला 30-32 साल का गोरा दुबला पतला नौजवान था जो बीकानेरी साफा बांधता था। लोगों ने सोचा कि यह वही खिलौने वाला तो नहीं है। उसकी चर्चा रोज होती, नगर की प्रत्येक गली में उसका सुंदर स्वर सुनाई देता। रोहिणी ने भी याद किया कि वह इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। उसने अपने पति से चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेने की बात कही। उसके पति विजय ने मुरली वाले को आवाज दी। मुरली वाले के साथ बच्चों का पूरा झुंड
आ गया, तब घेर लिए उसको। तीन पैसे की पर दो पैसे में लगा दूंगा। जो विजय बाबू थे उससे मोल भाव कर रहे थे कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सभी को दो पैसे पैसे सभी को दो पैसे में देते होंगे, पर मुझ पर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाले ने बताया कि 1,000 मुरलियाँ एक साथ बेचने पर यह दो पैसे की पड़ी है। विजय बाबू ने उससे दो मुरलियाँ ली और अन्य बच्चों को मुरलियाँ देकर वह चला गया। एक बच्चे के पास पैसे ना था जो मुरली बेचने आता था। अगर किसी बच्चे के पास पैसे नहीं भी होते थे तो उस बच्चे को बिगैर पैसे की मुरलियाँ दे देते था। अर्थात देखा जाए तो वह एक सज्जन व्यक्ति था। फिर अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, मिठाई वाला और बच्चे। तो जो मिठाई वाला था वो सर मतलब कि एक ही व्यापार वो नहीं करता था, कभी मुरली बेचने आता था, कभी मिठाई बेचने आता था, मतलब अलग अलग तरह का वो व्यवसाय करता था। तो सर्दियों के दिन थे, एक बार वह 8 महीने बाद आया था, पर अपने नए रूप में मिठाई वाला बनकर। उसके मुंह से बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला सुनकर रोहिणी छत से नीचे आ गई और बच्चों की दादी से चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए मिठाई वाले को बुलाने के लिए कहा। घर में कोई बड़ा नहीं था इसलिए वह पर्दे के पीछे छिप गई। मिठाई वाले ने आते ही पूछा, कितनी मिठाई देगा? ये खट्टी मीठी चाय के दार जो देर तक मुंह में रहती है। 1 पैसे की 16 का भाव उसने बताया। दादी ने 1 पैसे की 25 ना देने पर 20 देने के बाद कहकर उससे 4 पैसे की मिठाई देने को कहा। वह जब मिठाइयाँ देने लगा तो दादी ने पूछा, कभी इधर पहले आए हो? कहाँ रहते हो आप? उसने कहा, पहले भी आया हूँ। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि पहले भी खिलौने तथा मुरली बेचने आ चुका हूँ। अर्थात जो मुरली वाला था वो पहले मुरली बेचता था, कभी मिठाई बेचता था, तो मिठाई बेचने से पहले वो मुरली बेचने भी उस गांव में आ चुका था। रोहन ने उसके बारे में कुछ और भी पूछा कि तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसने कहा कि बहुत कुछ। इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, सस्ता सामान बेचने का कारण दूसरों को खुशी देने की लालसा। इसका मतलब वो कि वो जो सामान लाता था सस्ता बेचता था जिससे सभी को खुशियां मिले, और जो सभी लोग खुश होते थे तो वो भी उसी में खुश हो जाता था। दादी और रोहिणी के बल देकर पूछने पर उसने बताया कि कभी वह भी नगर का धनी व्यक्ति था। उसके दो बच्चे और सुंदर सी पत्नी थी, पर समय का खेल, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वह अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला है। वे बच्चे भी तो इन्हीं में कहीं होंगे। इन बच्चों को जब हंसता उछलता कूदता देखता हूँ तो अपने बच्चे की एक झलक सा पा जाता हूँ। मुझे लगता है कि इन्हीं बच्चों में मेरे ही बच्चे उछल कूद रहे होंगे। आप लोगों को दया से मुझे पैसे की कोई कष्ट नहीं है, तो आप लोगों की जो दुआ है उससे मुझे पैसों कोई कष्ट नहीं है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसे इस तरह पा लेता हूँ। अर्थात उसकी पत्नी उसके बच्चे हैं नहीं तो बच्चों की खुशियों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है और उसी में वो खुश हो जाता है। फिर होता क्या आगे, उसी समय चुन्नू मुन्नू बाहर से आकर मिठाइयाँ लेने की अपनी माँ से क्या करते, जिद करते, मुझे मिठाइयाँ चाहिए। मिठाई वाले ने मिठाई से भरी कागज की दो पुड़िया निकालकर चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी पर्दे के पीछे से पैसे फेंक कर उसे देना चाहा, पर
वह बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दूसरे के बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखाई पड़ती है, इसलिए हमेशा विनम्र भाव से ही रहना चाहिए, अर्थात एक दूसरे की मदद करना चाहिए और कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और जो आपका बुक है उसको पढ़ेंगे तो आप सबको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। और जो क्वेश्चन आंसर है बुक में उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे।